आज मैं आपको मुजफ़्फ़राबाद सिटी के अंदर है खुर्शीद नेशनल लाइब्रेरी का विज़िट करवाता हूँ। ये गवर्नमेंट लाइब्रेरी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लाइब्रेरी है। ये खुर्शीद नेशनल लाइब्रेरी 1988 में कियास खुर्शीद जब वो अपोजिशन लीडर थे तो उनकी तजवीज़ पे इसका क्या अमल में लाया गया था। जी खुर्शीद नेशनल लाइब्रेरी इन्वायरमेंट यहाँ का बड़ा खूबसूरत है। हमारी लाइब्रेरी तकरीबन 43,000 बुक्स जी मेरे बड़े भाई जमीर राजा असिस्टेंट कैटलागर हैं यहाँ पर। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आ गया, लेकिन पढ़ने का अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। हर सिटी के अंदर इस तरह की लाइब्रेरीज और होनी चाहिए। वैसे हायर एजुकेशन के साथ दो ही महकमे, एक कॉलेजेस और दूसरा लाइब्रेरीज को मैं हेड कर रहा हूँ। इस वक्त हमारा मियां मदश लाइब्रेरी जो मीरपुर डिवीजन में है, खुर्शीद लाइब्रेरी मुजफ़्फ़राबाद डिवीजन में, और गाजी मिल्लत पब्लिक लाइब्रेरी रावलक और पुंछ डिवीजन में जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी है। सिलाई वाला कहाँ पर करते हैं? सिलाई वाला उधर बैठ के, ये वो भी मशीन से होती है? नहीं नहीं हाथ से। अच्छा हाथ से की जाती है। जी सही। ये सब अखबार हैं, ये जितने भी हैं सारे? हाँ हाँ सारे अखबार। और वो आगे तो आप भगे थे इनको ऐसे रजिस्टर की शक्ल दी हुई? हाँ हाँ ऐसा रजिस्टर, ये भी जो अभी प्रोसेस में पीछे रहे ये सही। ये मतलब कोई पुराना कोई हवाला निकालना चाहिए तो बहुत ईजी है ये। हाँ बताया हम फौरन निकाल के दे देते हैं। 2006 से ऑनवर्ड है सब अखबार इनके पास मौजूद हैं। ये सिर्फ जंग के ही हैं या सब न्यूज़पेपर में? सब ऑल न्यूज़पेपर के यहाँ पर इनके पास मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। तमाम अखबार इन्हें बाइंड किए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट है दरमियान में बैठने के लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। पाँच के जलजले में ये लाइब्रेरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। इसको दोबारा तुर्क हुकूमत ने बनाया, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हैं इफ्तिताही पर, जहाँ पर हैं तख्ती भी लगी हुई है।
जिसमें हुकूमत है पाकिस्तान और है हुकूमत है तुर्किया, ये तुर्की का यहाँ पर झंडा भी लगा हुआ है और है ये देखते हैं यहाँ पर आज़ाद कश्मीर का झंडा भी है। बहुत ही खूबसूरत और है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट है, ख़ास तौर पर मुजफ्फराबाद में रहने वाले शहरियों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हैं तो ये बर्दगान यहाँ पर हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनके साथ हैं, यहाँ पर इसका इफ्तिताह भी कर रहे हैं और हैं मुख्तलिफ हैं यहाँ पर हैं तस्वीर ली गई हैं, पूरी गैलरी बनी हुई है। और ये तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को एक गिफ्ट आप समझे मिला है और ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ पर इंटर होने के बाद वाकई पढ़ाई को भी दिल करता है और किताबें खोल के पढ़ने को भी दिल करता है इस दौर में भी। तो लाइब्रेरी द्वारा का इस्तेमाल करें ख़ास तौर पर स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट को जो ये टाइम मिला हुआ है ये उनके पढ़ने और सीखने का टाइम है और लाइब्रेरी से अच्छी जगह उन्हें कहीं पर नहीं मिल सकती। बस यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।